शुभकामनाएं। शाम का समय हो रहा है, खाने की तैयारी हो रही है, नेल पेंट हमने चेंज करी थी आज। दरअसल दिवाली है तो सब नए नए कपड़े पहनते हैं, शाम को फिर पटाखे वगैरह करते हैं, तो हम पटाखे वगैरह कुछ भी नहीं पटका रहे, हम तो अपना नॉर्मल दिवाली मना रहे हैं रंगों की, वैसे ही फूलों की रंगों की। अब तो ये रहेगी पटाखे वगैरह प्रदूषण ही करते हैं, और बच्चों ने दो चार छोटे मोटे पटाखे ले लिए, मैं तो कुछ भी नहीं पटकाती, मैं तो सब छोड़ दिया। मेरे कानों के कैसे लग रहे, गणेश जी वाले पहने, अभी पूजा करेंगे लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करेंगे, आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। एक छोटी सी वीडियो और आप लोगों तक अपलोड कर रही हूँ कि जैसी अब के मनी अगले साल इससे भी ज़्यादा अच्छी मनी, बस आप लोगों का सपोर्ट साथ ऐसे ही बना रहे, आप लोगों का प्यार बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। देखो मंदिर में आरती बज रही है, शाम का समय हो रखा है और मोमबत्ती वगैरह बांटनी शुरू हो गई है, सब लोग आ रहे हैं, मोमबत्ती बांट रहे हैं, दे दे के जा रहे हैं, फिर दिवाली विश करके जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, मोमबत्ती जो है ना दे दे के जा रहे हैं, एक दूसरे के घर बांटते हैं, सबसे बड़ी खुशी मना मतलब खुशी की बात है ये, एक दूसरे के घर जाते हैं लोग मोमबत्ती बांटते हैं कोई। ये देखो तीन तो हमारे घर पर ही रखी, और जो चार पाँच अभी आई थी वो मैंने मम्मी को ही दे दी, मैं खुद से ही दे आई, दरवाज़ा खुल रहा था उनको पकड़ाए, हम नहीं रखते उधर ही, जो कोई इधर दे जाए हम रख ले, मैं मम्मी तो अभी भी देखो है ना एक मिठाई का डिब्बा आया है और मोमबत्ती आई है दीवे वाली, वो मतलब जो हमारे जेठ जी उनके वहाँ से, तो दिवाली का जो है उत्सव मनाया जा रहा काफ़ी अच्छी तरीके से, काफ़ी खुशी है, सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, घर जाते हैं, मोमबत्ती बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं, इस बहाने से मिल भी जाते हैं एक दूसरे। और मेरी चूड़ी कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। तो चलिए एक ही छोटी सी वीडियो आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ, क्योंकि दिवाली की जो खुशी होती है वो अलग ही होती है, बाकी जो ब्लॉग आएगा उसमें देखिएगा। और मेरे को कमेंट आ रहा था एक बहन का कि धनतेरस पर क्या दिया है, आगे जो वीडियो आएगी ना कल ब्लॉग उसमें आप लोगों को पता चलेगा, बस अपना साथ सपोर्ट प्यार बनाए रखिएगा, बाकी सब ठीक है, खुशी खुशी हमारी दिवाली जो है ना वो बीत जाए बची हुई रात भी, और परिवार में सब कुशल मंगल रहे, बस यही कामना करती हूँ सबके परिवार में, सबके बड़े छोटे बुजुर्ग सबको मेरी ओर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। फोन आ रहा था मेरे छोटे भाई का, क्योंकि मेरी जो छोटी भाभी है ना उनके घुटने में चोट लग गई है, और पता नहीं किस तरीके से लगी, खाट में उनका घुटना लग गया तो वो सूज रहा है, और सुबह 4 बजे मेरे को फ़ोन आया तो मैं एकदम हड़बड़ा के उठी, मैंने कहा इतनी सुबह किसका फ़ोन आ गया, कहीं कोई बात तो नहीं होगी थी, बाहर का दिन है, घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, एकदम सब इतनी घबरा गई, नींद में फ़ोन चार्जिंग पे था, नींद में उठ के मैंने फ़ोन उठाया तो मैंने देखा भैया की कॉल है, पता नहीं क्या बात होगी सुबह सुबह, मैंने एकदम बोला कि हैप्पी दिवाली, मैंने कहा हैप्पी दिवाली, मेरे सांस ऊपर के ऊपर नीचे नीचे हो रही थी कि डर लग रहा था इतने सुबह कॉल क्यों आई, तो उसने बताया कि 5 बज रहे उठे नहीं हो, मैंने कहा 4 बज रहे अभी तो 5 बिना बजे, कह रहा मगर इतना सुबह फ़ोन कर रहा है भाई, कह रहा कि वो तू यहीं पर आ जा यहीं पर दिवाली मना ले, मैंने कहा क्यों क्या हो गया भैया, दिवाली पर मेरा घर बंद रहेगा, तो सब दूर दूर से लोग आते हैं दिवाली मनाने के लिए, मेरा घर बंद पड़ा रहेगा, मैं ऐसे नहीं आ सकती, मैं पहले ही करवा चौथ को आ गई थी तब भी लोग मुझे बोल रहे थे कि दीदी आपको नहीं जाना चाहिए था, अब मैं फिर आऊँ भाई मैं नहीं आ सकती, बात बता क्या होगी कि तेरी भाभी का जो है ना घुटना वो खाट में लग गया और वो घुटना उसका सूज रहा है, पूरी रात उसमें दर्द रहा, मैंने कहा भाई अब फिलहाल तो देख मैं नहीं सकती, त्यौहार है, फिर त्यौहारों के बाद बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे, अब मेरी थोड़ी मजबूरी है, दवाई वगैरह दिला दे, ज़्यादा ही परेशानी होगी तो एक आध दिन की भाई कसम नहीं है, पर अभी फिलहाल नहीं आ सकती। फिर बोला कि चल दिवाली करके कहा अगले दिन आ जाइए, मैंने कहा अगले दिन होगी गोवर्धन पूजा, गोधन बोलते हैं गांव में, गोवर्धन पूजा होगी, उसमें क्या होगा मैंने पूछती हूँ, मेरे हस्बैंड सास तो नहीं पूछते हैं, क्योंकि ये बोलते थे कि पापा आर्य समाजी थे तो वो ये चीज़ें नहीं मानते थे, अभी आर्य समाजी वाला कोई सिस्टम रहा नहीं, क्योंकि जो एक इनके घर में एक हमारे परिवार में थी वे उन्हें बहन जी बोलते थे बड़ी थी जो, वे भी नहीं मानती थी, तो फिर आपदा देवता भी पूजने लगे और पीछे ताऊ जी हर के यहाँ भी गोधन गिनने लगे, हम मैं भी डालती तो हस्बैंड तो नहीं पूछते, मैं बेटे को लगा के पूछ देती हूँ, बहुत शुभ माना जाता है, अब फिर अगर आर्य समाज ही रहना था तो फिर देवता भी नहीं पूछते, पर मैं पूछती हूँ सब चीज़ मनाती हूँ, अब सब परिवार में सब बनाते हैं, बस ये लोग नहीं मतलब करना चाहते, पर मैं करती हूँ उनकी साइड से। मैंने कहा फिर अगले दिन गोवर्धन पूजा हो जाएगी भैया, फिर मैं गोवर्धन पूजा नूँ यहाँ पर कर ली, मैंने कहा ऐसे नहीं होने का मैं अपने घर ना करूँ यहाँ पर आके करूँ, मैं अपनी छोड़ के कैसे आ सकती हूँ, अगर कोई मजबूरी फंस गई तो एक अलग बात है, पर मेरे घर भी पूछनी चाहिए भाई, और त्योहारों का टाइम है मैं अपने घर पे ही ठीक हूँ। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा चल देख ले तो गोवर्धन पूजा करके शाम के टाइम सा जी, मैंने कहा भाई देख अब बताएगा टाइम, अगले दिन हो जाएगी दोज, फिर दोज के लिए मतलब तुम उल्टा काम कर रहे हो कि भाई दोज मनवाने आते हैं बहन दोज मनाने जाती है, मैंने कहा भाई आते हैं दोज मनाने, तो तुम आओ भाई मेरे घर,
मैं नहीं आ रही, उल्टा ऐसे मैं नहीं आऊँगी, त्योहारों में तो बिल्कुल नहीं आऊँगी, और अगले डे बच्चों का स्कूल खुल जाएगा। वैसे इतना स्कूल छूटता रहा, फिर लोग बाग मेरे को सब बोलते हैं वीडियो वाले कमेंट करके, मेहंदी कैसी लग रही है मेरी बताना, मैंने खुद से ही लगाई थी, इतनी खास तो नहीं लगी, एक कीप है ना मोटी थी, यहाँ से किचर पिचर हो गई वो सारी फैल गई, ये बता। तो मैंने कहा कि सब मेरे को फिर कमेंट करते हैं कि ज्योति जी आप बच्चों की पढ़ाई का नाश कर रहे हो, आप बच्चों की पढ़ाई नहीं देख रहे हो, इधर उधर घूमते रहते हो। तो भाई बात ऐसी है कि मैं मुश्किल ही आ पाऊँगी, तू दवाई वाई दिला दे अपना, एक दो दिन किसी से बनवा ले, खाना आराम लग जाएगा। तो घुटने में जैसे उनको चोट लगी, तो उन्होंने भैया को नहीं बताया कि मेरे घुटने में चोट लगी, और ना ही उन्होंने इतनी सीरियसली लिया। अब वो है ना, रात को जो उसमें कुलट हुई दर्द हुआ तब उन्हें महसूस हुआ, वो फिर रात भर गोली वगैरह थी तो कूल रही थी, भाई ने कहा क्या हो रहा कि ऐसे ऐसे चोट लगी, उनको दिन में क्यों नहीं बताई, वो नीला हो रहा उसमें चोट ज़्यादा लगी, तो गर्म पट्टी वगैरह बनवा ले। मैंने कहा भाई मैं दवाई वाई दे ले, देख भाई अब मेरी मजबूरी ऐसी है, देखो बच्चों की छुट्टी भी नहीं है, स्कूल खुल रहे हैं, स्कूल से रोज़ छुट्टी करवाती रहूँ, हर जगह कहीं ना कहीं जाती हूँ, फिर कहीं ना कहीं आप लोगों के कमेंट भी होते हैं कि बच्चों के स्कूल के लिए सोच रही, और फिर दूसरी साइड मेरी बेटी भी कह रही मम्मी स्कूल डेली जाऊँगी तो कुछ सीखने को मिलता है, छुटता है तो फिर काम छुटता है और बहुत नुकसान रहता है। और हाँ एक वीडियो आई है यूट्यूब पर मेरी बेटी के स्कूल की, मैं जल्दी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी और आप लोग भी देखेगा, ज़्यादा तो मैं नहीं डाल सकती, थोड़ी बहुत एडिट करके या वो करके मैं उस पर शेयर जरूर करूँगी आप लोगों के साथ में। तो आप लोग है ना कमेंट करना और बताना कैसी लगी आप लोगों को वीडियो। तो बस मेरा यही है कि मैं नहीं भाई त्यौहार के दिन जाना चाहती, देखो मैं यहाँ रहूँ कहीं भी रहूँ त्यौहार पर ज़्यादा करके अपने घर पर ठीक होता है, भगवान करे कि सब खुशी खुशी रहे, कुशल मंगल रहे, ठीक रहे। मैंने कहा भाई दवाई वगैरह दिलानी मेरी मजबूरी हो गई, अब मैं ऐसे टाइम पे बताओ दिवाली पे तो है ना, जो लोग दिल्ली मेरठ इधर उधर रहते हैं वो भी अपने घर पे दीवे जलाने के लिए आते हैं। मैंने कहा अब मैं ही घर बंद करके चले जाऊँ तो मेरे घर में अंधेरा पड़ा रहेगा, भाई मेरी मजबूरी हो गई ना आने की। हमारी बेटी चक्री चला रही थी अभी, वैसे इन्हें इतना पटाखे हमने दिलाए नहीं है, दो चार जो भी लिए चक्री चला रही थी, उसमें देखो इसकी उंगली जल गई है, पता नहीं किस तरीके से हुआ क्या हुआ, तिल्ली वगैरह लगाई होगी, किसने मना कर दी थी कि मत जलाओ, तो उसमें चक्री में उंगली जल गई, जा चीस मार रही है, चीस लग रही है अभी कम नहीं हुई, बंद होगी अभी थोड़ी थोड़ी हो रही, नींद नहीं आ रही है, हाँ पूजा करनी है, नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं हो रही है, बच्चे को मेरे स्वीट से बच्चे मेरे दो छोटे मोटे गोलू मोलू बच्चे हैं, आप लोग इन्हें बहुत सारा प्यार दीजिए, मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिए कि हर कंपटीशन में फर्स्ट आ रहे हैं। वीडियो डाल दी उसमें, वो अभी नहीं डाल ली, कल के या परसों के ब्लॉग में आएगी, उसमें मेरा नाम बोल रहा है और उसमें वो आप वीडियो देखेगा और बताइएगा, कट कट करके मत देखना पूरी फाइनल की, देखना फाइनल की मैं थोड़ी डालूंगी, सारी नहीं डालूंगी जहाँ पे मतलब एडिट करके। तो चलिए एक अच्छी सी वीडियो के साथ कल आपको मिलेंगे, हमारे स्कूल की वीडियो यूट्यूब पर भी आती है, जेपी पब्लिक स्कूल मोंडा, उसके नाम से आपको सर्च करना है ना यूट्यूब पर आ जाएगी, अपनी वीडियो में भी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में वो वीडियो, तो देखिएगा और अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो जल्दी जल्दी है ना, वो शाम को सबको मिठाई पूजेगी, लक्ष्मी जी गणेश जी की मूर्ति की स्थापना होगी, वही मिठाई के डिब्बे हमारे भी आए थे दो, तो एक हमने रख रखा है, एक हमने खा लिया, एक बच्चों ने यूज में ले लिया खा लिया, एक रख रखा है जिसकी पूजा होगी। तो चलिए अपने शाम के खाने की करते हैं तैयारी। तो कौन कौन सी मिठाई लाए हो भैया, मीठ क्या कह दिया मिठाई हो, गलत शब्द नहीं बोल रहे सॉरी निकल गया मुंह से, बहुत सारी मिठाई लाए, साई है मोमबत्ती और हम करते हैं अपना खाना बनाने की तैयारी। तो बस एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, इसमें हमारी कुछ पिक्चर्स हैं, तो आप लोगों के कमेंटों का रहेगा इंतज़ार, तो तहे दिल से धन्यवाद अपना प्यार साथ सपोर्ट बनाए रखने के लिए। मुझे पता है दिवाली है, आज सब लोग जन्म व्यस्त हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए मेरा जो दूसरा चैनल है सियाराम तोमर के नाम से, उस पर मैंने आज कोई ब्लॉग नहीं अपलोड किया,
और कोशिश करूँगी कि कल दिवाली का थोड़ा बहुत जो है ना वीडियो उस पर शेयर कर पाऊँ। और यही उम्मीद है आप लोगों से, पर अभी एक छोटी सी वीडियो जोड़ती हूँ उसमें। वोट के लिए घूम रहे आशीर्वाद नहीं, कोई बात नहीं।